आपने सोते हुए शेर को जगा दिया, अब जे लोग यार ये फाइनलिस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें तो मैं कांटा बन नहीं पाया, उसका कैप्टनसी में तो कांटा बनू। अभिषेक तू कैप्टन है, स्ट्रेस तेरा है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को आगे सिर्फ तेरे को पोक करना है और तू नाचेगा कि भाई क्या राशन 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 लगा के। सबसे पहला सवाल यही है, कैसी रही आपकी जर्नी? हमने देखा तीन अविनाश को वहां पे, जहां पे पहला अविनाश थोड़ा एग्रेसिव था, दूसरा अविनाश थोड़ा सा रोमांटिक था और तीसरा अविनाश एक्चुअल गेम में फोकस था, तो एक्चुअल अविनाश कौन सा था? या मेरे लिए तो तीनों अविनाश ही थे और वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस थे उस गेम के और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्शंस आ रहे थे मेरे सामने तो उस पर मेरे रिएक्शंस वैसे निकल रहे थे। पहले दो हफ्ते में तो मुझे जनता कहा गया तो वो टैग मिला, तो वो उसके बाद जब उससे उभरा तो मुझे फैन सिटर कहा गया, फिर उससे उभरा तो फिर जाके ऐसा मैंने सुना अंदर पूजा जी ने मुझे बोला कि मुझे तुम्हारा प्रोग्रेस दिख रहा है, अब गेम में तुम्हारा प्रोग्रेस बिल्कुल ऐसा है। तो जब ऐसा प्रोग्रेस जैसी चीज़ें सामने आई तो जैसे कि आपने कहा कि पहले मैं लड़ाकू था और दूसरा मैं रोमांटिक था और तीसरा मैं गेम चेंजर अभी बाहर निकला हूँ, तो वो भी एक मैंने टैग सुना है। तो जो भी है वो मेरी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है और वो मैंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। अगर आप ये तीन अविनाश को देखें तो तीनों अविनाश मेरा ही हिस्सा थे, मैं किसी से नकारूंगा नहीं और ना नहीं बोलूंगा कि नहीं ऐसा मुझे तो नहीं लगा। डेफिनेटली यस, मैं जैसा दिखा हूँ वो मैं हूँ। मुझे पता था यही पूछेगा। देखो ज्ञान व्यान साइड में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो ना मेरे डैड ने मुझे ऐसा कहा था कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए और ये चीज़ तो मतलब मेरा रामबाण बन गई थी बिग बॉस के घर में कि भाई अपना रिमोट कंट्रोल अगर अपने पास रख लिया तो सामने वाले के हाथ में अगर नहीं लगा तो मेरे को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, चाहे वो मुझे कितना भी पोक क्यों ना कर ले, कोई भी आके जो भी बोलना है बोल। और ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं सीखी है कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखा, चाहे मुझे लोगों ने कितना भी पोक किया, उन्हें उसी वक्त मेरा रिएक्शन चाहिए और मैंने नहीं दिया, वो चाहते थे मैं उसी वक्त लड़ूँ, मैं नहीं लड़ा और जितना मुझे बोल के जाना था मैं बोल के निकल गया। क्योंकि उस रिमोट कंट्रोल का बेसिक ये है कि किसी के और के हाथ में अगर रिमोट कंट्रोल चले जाएगा तो सामने वाला चैनल चेंज करेगा, सामने वाला वॉल्यूम बढ़ाएगा, फिर मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर मेरे चैनल स्विच होंगे, फिर वो अविनाश दिखूंगा मैं जो मैं हूँ नहीं, तो वो मुझे नहीं दिखना। अपना कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अपने पास होना चाहिए बस। अविनाश, जिस मोमेंट पे एल्विश की एंट्री हुई थी घर में, उस मोमेंट पे आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो आपका कंट्रोल रिमोट कंट्रोल है कहीं ना कहीं आप उससे बाहर जा रहे थे या फिर वो कंट्रोल कहीं ना कहीं उनके हाथ में आ रहा था, बिकॉज यू वर रिएक्टिंग एज सच, जो कि वो रिएक्शंस काफी ज्यादा हो रहे थे? नहीं नहीं, एल्विश के मैंने एंट्री पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, मैं तो उसके साथ एक बिल्कुल नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह था, वो पोक करता गया मैं रिएक्ट नहीं किया। मैंने काफी कुछ सुनना, मेरा घड़ा भरने के बाद मैंने रिएक्ट किया जब मुझे रिएक्ट करना था तब, क्योंकि पहले वो सिर्फ मुझे एक रिएक्शन चाहता था जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा उसे देने के लिए, और मैंने तब जाके रिएक्ट किया जब मुझे रिएक्ट करना था और मैंने खुद का चैनल बदला, और वो चैनल जो बदलने का नाम दिया था वो कृष्णा ने दिया था कि आपने सोते हुए शेर को जगा दिया। अब जे लो अविनाश, हमने देखा आपने किस तरीके से फर्स्ट वीक में ही फलक के साथ अच्छी दोस्ती कर ली थी, लेकिन फलक के साथ बैठकर आपने कुछ नेम कॉलिंग दी थी, जैसे कि आपने अभिषेक और फलक आप लोग बात कर रहे थे तो अभिषेक को गे बोला गया उस समय, हाँ फलक ने बोला है, और साथ ही साथ आपने बोला गे नहीं जनानी, जनानी है वो चेहरा वैसा दिखा। अच्छा, वैसे ओके, हाँ उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो वो जनानी शब्द मैंने दिया था जी, श्योर ना? यस यस, क्योंकि मैं उस पर कमेंट करूँ फिर। हाँ, पलक ने भी बोला। हाँ, क्योंकि उसकी हरकतें उस तरीके की लगी मुझे कि वो उस तरीके के हरकतें कर रहा है घर के अंदर जो मुझे वैसा नाम देने के लिए मैंने सोचा होगा, और उस घर में लाइफ इतनी फास्ट चलती है कि मुझे एक्चुअली पूछना पड़ रहा है आपसे कि मैंने ही बोला था ना फॉर श्योर, क्योंकि फिर मैं उस पर कमेंट कर सकूँ पूरी उसके साथ, क्योंकि जो मैंने बोला है आई लिव अप टू दैट। तो वो अभिषेक के रिएक्शन और उसके बिहेवियर के वजह से ही मुझे ऐसा लगा था, बट वो मैं टैग एक्चुअली एक ही बार यूज़ किया होगा मैंने, उसके बाद वो हट गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे चौथे या पांचवें हफ्ते से तो मेरे दिमाग में एक किडो नाम का मैंने टैग दे दिया था उसे कि ही इज़ अ किड फॉर मी, इमेच्योर किड। लेकिन लास्ट राशन वाले टास्क के बाद मनीषा ने कहा कि अविनाश तुमसे सिर्फ इसीलिए लड़ता है क्योंकि उसे फुटेज चाहिए रहता है, तो इस बारे में क्या कहना है? मैडम, मुझे 18 साल में 11 शो करके बहुत फुटेज मिली है, मुझे फुटेज के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरा वो एम है।
अविनाश ये भी जानना चाहेंगे, जब पनिशमेंट मिली थी बेबिका को और मनीषा को, उसके बाद जब राशन का टास्क हुआ था, प्रीमियम राशन वाला टास्क हुआ था, आपने नहीं किया था जिस वजह से इन्हें राशन नहीं मिला था, और आपका कहना था कि ये लोग क्या खाना खाना राशन राशन करते रहते, हमने इतने सारे सीजन देखे सिर्फ और सिर्फ राशन की वजह से ही फाइट हुई है, लेकिन एक आप एक ऐसे लौते हो जो सिर्फ राशन के लिए बोलते हो कि क्या राशन राशन, क्या कहना है इसके ऊपर आपका? और आपका ये कहना कि खाने के लिए आए हो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है गलत है? मुझे लग रहा था यार मैंने उसके रास्ते में कांटे तो डाल दिए वीकेंड के वार पे, पर अब कांटे डालने का मौका ही नहीं मिला, कोई टास्क हुआ ही नहीं, सीधा फैमिली आने लगी अंदर, सब इमोशनल हो गए एक दूसरे को पेरेंट्स को देख के, और सब हवा में चला गया, तो मैं कब कांटा बनूं जब वो सो रहा है तब, क्योंकि टास्क के अलावा तो सोता ही था मेरे हिसाब से, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कब कांटा बनूंगा। और फिर उसका कैप्टनसी का टास्क आया जब उसको पनिशमेंट देनी थी, मतलब यार ये फाइनलिस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें तो मैं कांटा बन नहीं पाया, तो मैं उसका कैप्टनसी में तो कांटा बनूं। और एक दिन पहले ही जब उसने मुझे वो OTT वाले जोन में जहां उनकी मंडली बैठती थी वहां बैठ के मुझे बात कर रहा था, तो मेरी ही लाइन थी जो मैंने उसे कही थी, मतलब अभिषेक तू कैप्टन है, स्ट्रेस तेरा है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को आगे सिर्फ तेरे को पोक करना है और तू नाचेगा। मैंने उसे पहले ही बता दिया था एक दिन पहले कि मैं ऐसा करने वाला हूँ या कर सकता हूँ, जो अभिषेक ने शायद मेरी हिंट नहीं सुनी, और मैंने नेक्स्ट डे से उसे पोक करना मेरा इंटेंशन था। और दूसरा इंटेंशन ये था कि मैंने देखा बेबिका का मन नहीं मान रहा था जो उसने बोला, वो अग्री नहीं कर रही थी, तो क्यों कर रही है, कपड़े क्यों धो रही है, तो उसका रीज़न ये था कि नहीं मेरे पापा मुझे समझा के गए हैं मैं किसी से लड़ूंगी नहीं, मैं करूँगी जो करना है। ठीक है भाई, अब तेरी सोच वैसी है, फीलिंग कुछ और है, दोनों कन्फ्यूज हैं, ठीक है कर। मनीषा उसकी दोस्त है, वो उसके अगेंस्ट जाएगी नहीं, तो उसने कर लिया। रही बात मेरी, तो अब कोई तो मजे ले, कोई तो मना करे। मैं सोच रहा था कि ये टास्क दिया क्यों गया है, क्या ऑडियंस ये देखना चाहती है कि बेबिका कपड़े कैसे धोती है, नहीं, क्या वो ये देखना चाहते हैं कि मनीषा शू पॉलिश कर पाती है या नहीं, नहीं, तो इस टास्क का मकसद क्या था, कि पनिशमेंट दो और सब ले लें और घर चले जाएं? मेरे हिसाब से नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इस टास्क का मकसद कुछ और है, वो अगर कैप्टन बन के पनिशमेंट दे रहा है तो हमारे हाथ में, हमने पनिशमेंट लेनी है नहीं लेनी है, रिवोल्ट करना है नहीं करना है, एंटरटेनमेंट मुझे उस टास्क में मिसिंग लग रहा था। तो मैं ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मैंने सोचा बेटा देख तेरे पे आएगी, सब तेरे से लड़ेंगे, राशन मिलेगा नहीं, मतलब ओके मेरे लिए राशन से ज़्यादा दाल चावल खा के मैं एक हफ्ता बिता दूंगा, पर मेरे लिए एंटरटेनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑडियंस को देना चाहिए वो मेरा काम है एज एन एक्टर एज एन एंटरटेनर इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 18 ईयर्स। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब जो कुछ भी होगा मैं तो ये उठाऊंगा ही उठाऊंगा, भले मेरे को कितनी भी गालियाँ पड़े, अगर मैं अगेंस्ट कर देता हूँ बिग बॉस बोल देते हैं कि अभिषेक आपके हाथ में, अगर आपको किसी को जेल भेजना है तो भेज सकते हैं, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार था। बट इवेंचुअली इट केम डाउन टू राशन, और राशन में उससे पहले आपने देखा होगा बीबी वर्स के अंदर हमने अंडे लिए थे, तो कॉफ़ी और दही तो वैसे भी नहीं आनी थी, तो बचा क्या, ब्रेड बटर और चिकन। चिकन अभिषेक खुद खाता नहीं है, बचा ब्रेड बटर और सबके लिए अंडे, सिर्फ ये तीन चीज़ नहीं आई है। और हम वहाँ हॉलीडे पे नहीं गए हैं, मेरा ये कहना था कि हमें खाना तो मिल ही रहा है, बिग बॉस वाले हमें भूखा थोड़ी मारेंगे, हम कुछ ना कुछ खा के पेट भर के ही जी लेंगे। पर उनका ये कहना था कि उन्हें कॉफ़ी चाहिए थी, उन्हें बटर चाहिए था, मुझे ब्रेड चाहिए थी, तो मेरा ये कहना था कि भाई क्या राशन 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 लगा के रखा है, कभी दाल चावल नहीं खाए हैं क्या 8 दिन तक? दैट वॉज द टॉपिक। अविनाश, हमने देखा जिस तरीके से अभिषेक को आपने पहले कैप्टनसी से आउट किया था और जिया को कैप्टन बनाया था, तो कहीं ना कहीं अभिषेक उससे चिढ़ गया था, और ये एक पैटर्न देखा गया है कि अभिषेक को हार बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो कहीं ना कहीं रिवेंज मोड लेता है। डू यू फील द सेम? बिकॉज़ ऐसा जनता हमने ये ऑब्जर्व किया है। यस, ये मैंने सलमान सर को भी बोला था जब वो अभिषेक और मैं एक दूसरे को एडजेक्टिव्स दे रहे थे कि इसमें ये है इसमें वो है, तब मैंने सलमान सर को बोला था कि सर इसमें ना बहुत कॉम्पिटिटिवनेस है जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे वो सत्ता से हटाया था कैप्टनसी की, मुझे उसके अंदर ना उसका चेहरा एकदम, एक बच्चे का चेहरा होता है ना उसके हाथ से अगर खिलौना छीन लिया जाए तो कैसा चेहरा हो जाता है, उसका चेहरा वैसा हो गया था, और उससे सडनली मुझे एक जेलसी फैक्टर देख रहा था कि अविनाश नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि बजर मेरे सिवा तो अलावा कोई बजा ही नहीं पाएगा, और एक्चुअली वैसा हो रहा था क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, उसके हाथ पैर लंबे हैं, और वो इतना ही करे तो बजर दब जा रहा था। मैं थोड़े ही इंच कम हूँ उससे, बट एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैंने अभिषेक को ये मुँह पे बोला, मैंने भाई हाइट तेरी ज़्यादा, हाथ पैर तेरे लंबे, कॉन्फिडेंस तेरा ज़्यादा, तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो अभिषेक के पास नहीं है, और मेरे जहन ने मुझे एक ही जवाब दिया, फोकस। और मैं उसी पे लगा हुआ था फोकस, तभी वो तीन बार बजर मैं दबा पाया, और उसके बाद मैंने अभिषेक को निकाला, मनीषा को निकाला और जिया को बनाया। सो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू दैट, और जिया को मैं
कहीं ना कहीं ये प्रूव करना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि वो नॉमिनेशन की वजह से या ये रियलिटी शो की वजह से कि मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं निभाऊंगा. मैंने उसे उसी वक्त बोल दिया था, वंस आई एम ऑल इन, आई एम ऑलवेज ऑल इन.